इंजेक्शन को कभी कमर में या कभी हाथ पे क्यों लगाया जाता है? एक ऐसी बच्ची जिसके अंदर खून ही नहीं है, एक ऐसा राजा जिसने सिर्फ 15 मिनट के लिए राज किया था, और क्या प्लास्टिक सर्जरी में प्लास्टिक का यूज किया जाता है? अगर नहीं तो कैसे किया जाता है? जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 20, क्या आपने एक बीच की चोरी के बारे में सुना है? अफ्रीका के जमैका में करीब 500 ट्रकलोड का बालू एक बीच से चोरी हो गया। 500 ट्रकलोड बालू इतना बालू है कि इससे पूरा एक नया बीच बन जाए। ये चोरी 2008 में हुई थी और इसमें अभी तक किसी को भी अरेस्ट नहीं किया गया है, क्योंकि ना उनको चोरों का पता चला ना ही उस चुराए हुए बालू का। नंबर 19, अगर मैं आपसे पूछूं कि आसमान में ज्यादा तारे हैं या धरती पे ज्यादा पेड़, मुझे पता है आप बिना सोचे बोलेंगे आसमान में ज्यादा तारे हैं, लेकिन मिल्की वे गैलेक्सी में जितने तारे नहीं हैं उससे ज्यादा धरती पे पेड़ हैं। नंबर 18, क्या आप अपने सर को उल्टा करके खा सकते हैं? नहीं ना, फिक्र मत कीजिए, कोई इंसान ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन फ्लेमिंगो बर्ड ऐसा करने में माहिर है। ये चिड़िया अपने आप को उल्टा रख कर ही खा सकती है। नंबर 17, ये ग्लोइंग आईज वाली गांधी जी की मूर्ति सैन फ्रांसिस्को की है। बताया जा रहा है कि किसी प्रैंकस्टर ने ब्रॉन्ज की बनी मूर्ति की आंखों में रेड कलर की ग्लोइंग लाइट लगा दी। इसको छोड़ के मूर्ति को कोई भी डैमेज नहीं पहुंचाया गया है। इससे पहले कई बार मूर्ति से गांधी जी का चश्मा चोरी हो चुका है। वैसे कुछ भी बोलिए, इस फोटो में हमारे गांधी जी बिल्कुल सुपरमैन लग रहे हैं। ऐसा लगता है मानो वो तुरंत ही अपने सुपर पावर का इस्तेमाल करने वाले हैं। नंबर 16, दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस लास्ट नेम वैंग है, जिसका मतलब है किंग। चाइना में लगभग 92.8 मिलियन लोग वैंग का लास्ट नेम यूज करते हैं। इस लिस्ट में ली सेकंड नंबर पर आता है। नंबर 15, अगर आप अपने सपने में मौजूद रहने के लिए जबरदस्ती सो रहे हैं तो आपकी बॉडी अपने आप को पैरालाइज कर सकती है। ऐसा बहुत से लोगों के साथ हुआ भी है, और जिनके साथ ऐसा हुआ है वो लोग बताते हैं ये उनके लाइफ का सबसे इवल एक्सपीरियंस था। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो अभी इस आदत को छोड़ दें, वरना यह आपके साथ साथ आपके शरीर को भी नुकसान पहुंचा सकता है। नंबर 14, इससे पहले कि आप इन सभी को कोई खिलौना सोचें, आपको बता दूं कि ये बुल्गेरिया के स्ट्रीट्स की कुछ टूटी हुई चीजें हैं, जिनको फिक्स करने की बजाय कोई उन पर बस गूगली आइस लगा दे रहा है। हालांकि ये कौन कर रहा है ये किसी को पता नहीं, लेकिन इस आदमी की क्रिएटिविटी को सलाम। बिना टाइम या पैसे लगाए कैसे एक टूटी हुई चीज को अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है, इसने इसका एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है। नंबर 13, क्या आपको पता है बड़े बड़े हेलीकॉप्टर्स और चॉपर्स को एक कंट्री से दूसरे कंट्री कैसे ले जाया जाता है? आप कहेंगे उड़ा के, लेकिन अगर ज्यादा हो तो? दरअसल हेलीकॉप्टर्स और चॉपर्स को सी के थ्रू शिप्स पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, वो भी बिल्कुल ऐसे व्रैप करके। अब आप पूछेंगे व्रैप करके क्यों? क्योंकि सी वाटर इन चॉपर्स के सरफेस को डैमेज कर सकते हैं, इसलिए इतने बड़े बड़े चॉपर्स या हेलीकॉप्टर्स को श्रिंक व्रैप करके ट्रांसपोर्ट किया जाता है। नंबर 12, जहाँ हम ह्यूमंस की दुनिया कोविड की वजह से बर्बाद हो रही है, वही जानवर अपनी दुनिया में बिना किसी रोक टोक के खुशी से जी रहे हैं। जैसे कि इन हाथियों को ही देख लीजिए, खाने की तलाश में 14 हाथियों का ये ग्रुप यूनान के एक छोटे से गांव में घुस आया। वहाँ उन्हें खाने को तो कुछ नहीं मिला, लेकिन पीने को मिला करीब 30 केजी कॉर्न वाइन। उन्होंने इसे सारा का सारा पी लिया, जिसके बाद इन्हें इतना नशा हुआ कि वो सभी उसी गांव के चाय बगान में जाकर सो गए। अब ये नहीं तो क्या है जिंदगी। नंबर 11, इस इमेज को अब देखो, क्या आपने भी इसे कोई कंक्रीट समझ लिया? लेकिन ये तो हमारी दिल्ली है। जरा जूम करके देखिए, ये दिल्ली का एरियल व्यू है। आपको बता दें कि दिल्ली दुनिया के मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज में 14 नंबर पर आता है, और अगर आप इसे एरियल व्यू में देखोगे तो ये आपको कंक्रीट जैसा दिखेगा। नंबर 10, आपने मूवीज में कई स्पाइंग आइडियाज देखे होंगे, लेकिन इससे बेटर शायद ही कोई होगा। 1960s में CIA ने $20 खर्च करके एक बिल्ली को अपना स्पाई बनाया था। जी हाँ, आपने सही सुना, एक बिल्ली को। इस बिल्ली ने सोवियट्स के ऊपर स्पाई किया था, और बाद में एक टैक्सी के नीचे आने से इस बिल्ली की मौत हो गई थी। इस बिल्ली का नाम अकाउस्टिक किटी रखा गया था। इसका काम था अपने आसपास के साउंड को ट्रांसमिट करना।
नंबर 9, क्या आपको पता है इस फोटो में क्या खास है? ये चांद का अब तक का सबसे क्लियर इमेज है, जिसको करीब 42,000 अलग अलग चांद की फोटोज को जोड़कर बनाया गया है। इस फोटो को बनाने वाले फ्रेंच साइंटिस्ट एंटनी साल्सी ने इसे अपने इंस्टा हैंडल पर शेयर करते हुए लिखा कि ये अब तक का चांद का थर्ड क्वार्टर क्लियरेस्ट इमेज है। उनको इस फोटो को बनाने में करीब 74 GB का डेटा लगा। नंबर 8, क्या आपको पता है धरती के सबसे खतरनाक हाथी कौन से हैं? अफ्रीकन बुश एलिफेंट्स। ये हाथी हर साल करीब 500 ह्यूमन डेथ्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और यही वजह है कि आज तक इन एलिफेंट्स को कोई डोमेस्टिकेट नहीं कर पाया है। कहते हैं कि सिर्फ इंडियन एलिफेंट्स ही ऐसे हाथी हैं जिनको इंसान ट्रेन कर सकते हैं। नंबर 7, किंग लुइस टेक्निकली दुनिया के ऐसे रूलर थे जिन्होंने सबसे छोटे टाइम के लिए रूल किया था। इन्होंने फ्रांस पर सिर्फ 15 मिनट के लिए राज किया था। इनके पिता ने 1830 में जून रेवोल्यूशन के दौरान इनको निकाल दिया था, जिसकी वजह से वो उस समय सिर्फ 15 मिनट के लिए ही राजा रह पाए थे। लेकिन अपने पिता के मौत के बाद इन्होंने 6 साल तक फ्रांस पर राज किया था। नंबर 6, आप ये जो देख रहे हैं ये किसी फॉरेन कंट्रीज का डिजाइन नहीं है, बल्कि अपने भारत देश की ऐसी कलाकृतियां हैं जिसे देखकर पूरी दुनिया में लोग आज भी हम भारतीयों का लोहा मानते हैं। जिस समय पूरी दुनिया को ज्योमेट्री का जी भी नहीं पता था, उस समय भारत के राजा महाराजा ऐसी इमारतें बनवा रहे थे जिसके एग्जाम्पल्स आजकल के इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स में दिए जाते हैं। नंबर 5, ये है दुनिया का सबसे पहला घर जिसको ईंट पत्थर या बालू से नहीं बल्कि 3D प्रिंटर यानी एक तरह की रोबोटिक मशीन से बनाया गया है। ये घर रहने के लिए बिल्कुल सेफ है और ये बिल्कुल इको फ्रेंडली भी है। इसको आइंडहोवन द नेदरलैंड्स में एक बुजुर्ग कपल ने बनाया है। इस घर को दूर से देखने में लगता है कि ये किसी कार्टून या पेपर से बना है, लेकिन बता दें कि ये घर बाकी नॉर्मल घरों की तरह ही मजबूत है और इसमें बड़े आराम से कोई भी रह सकता है। नंबर 4, आपने कई जगह पे देखा होगा कि एक रास्ता जंगलों के बीच से जा रहा है, लेकिन क्या आपने ऐसा रास्ता कहीं देखा है कि एक जंगल रोड के बीच से जा रहा है? यह है नेदरलैंड्स का इकोडक, एक ऐसा ब्रिज जो हाईवे के एक एंड से दूसरे एंड तक जुड़ा हुआ है, जिसकी मदद से जानवर बिल्कुल आराम से सड़क पार कर सकते हैं बिना ट्रांसपोर्ट सिस्टम से डिस्टर्ब हुए या बिना उनको डिस्टर्ब किए। ये दुनिया भर के लिए एग्जाम्पल है कि कैसे ह्यूमन और एनिमल्स एक दूसरे को बिना डिस्टर्ब किए एक साथ चल सकते हैं, वरना ज्यादातर जगह पर रोड्स बनाने के लिए ना जाने कितने पेड़ों को काट कर जानवरों को बेघर कर दिया जाता है। नंबर 3, इस 4 साल की लड़की का नाम है मेसी विग्नेस। इसके बारे में सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये बच्ची 6 वीक्स प्री मेच्योर बेबी है, यानी ये डिलीवरी डेट से 6 हफ्ते पहले ही इस दुनिया में आ गई थी, लेकिन जिस कंडीशन में ये आई थी वहाँ से 80% बच्चे नहीं बच पाते हैं। जब मेसी पैदा हुई तो उसके शरीर में एक ड्रॉप भी खून नहीं था। डॉक्टर्स का कहना था कि ये बच्ची नहीं बचेगी, और बच भी गई तो इसका दिमाग डैमेज हो गया होगा। इसको 8 हफ्ते मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखा गया। अब इसे मेडिकल मिरेकल कहिए या कुछ और, लेकिन मेसी आज बिल्कुल सही सलामत है और अपने स्कूल में ये टीचर्स की फेवरेट स्टूडेंट है। नंबर 2, प्लास्टिक सर्जरी के बारे में कौन नहीं जानता, जिसका यूज करके आजकल के सेलिब्रिटीज अपने आप को और खूबसूरत और यंग दिखाते हैं। तो आइए जानते हैं इस सर्जरी में क्या होता है। आप सबको लगता होगा कि प्लास्टिक सर्जरी का मतलब प्लास्टिक से किए जाने वाला सर्जरी है, लेकिन यहाँ प्लास्टिक का मतलब है रीशेपिंग, जो कि ग्रीक वर्ड प्लास्टिक से लाया गया है। इस सर्जरी में बॉडी के दूसरे ऑर्गन से स्किन लेकर उस जगह लगाया जाता है जहाँ सर्जरी करनी होती है। इसकी शुरुआत वर्ल्ड वॉर 2 में की गई थी। दोस्तों, आजकल के मॉडर्न प्लास्टिक सर्जरी में कुछ खास तरह के इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं। इसमें बॉडी के किसी भी पार्ट को नहीं काटा जाता है। आपको बता दें कि फेमस पॉप स्टार माइकल जैक्सन ने 2 बार अपने नाक की प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी। यही नहीं, एंजेलिना जोली, प्रियंका चोपड़ा जैसे एक्ट्रेसेस ने भी प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। नंबर 1, क्या आपने कभी नोटिस किया है जब आप इंजेक्शन लगवाने डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो आपको या तो हाथ पे इंजेक्शन देते हैं या फिर कमर पे? लेकिन ऐसा क्यों? हाथ पे इंजेक्शन देने में और कमर पर इंजेक्शन देने में अंतर क्या है? दरअसल जो इंजेक्शन हाथ पर दिया जाता है वो काफी पतला होता है और हमारे ब्लड में काफी आसानी से घुल जाता है, और जो इंजेक्शन कमर पे लगता है वो काफी गाढ़ा होता है, जिसको हमारे ब्लड में मिलने में टाइम लगता है। यही वजह है हाथ पे लगने वाले इंजेक्शन कम पेन देते हैं और कमर पर लगने वाले ज्यादा पेन देते हैं।